दुख से बनी संगिनी। अरे माँ, तू अपने आंसू बहाना बंद कर, और नानी आप भी अपना खून जलाना बंद करो। हाँ, अरे मैं आप लोगों को इतनी अच्छी बात बताने वाली थी। पता है, दुकान की मरम्मत कराने के लिए आज सुबह मुझे बहुत अच्छा सौदा हाथ लगा है। सारा सामान बाजार से इतने सस्ते दाम में मिल गया नानी। सारा सामान जल्द ही आ जाएगा, और फिलहाल काम शुरू करने के लिए काफी सामान है मेरे पास। मान लिया आप जो कह रही वो सच है, पर जानकी आपकी पड़ोसन है और प्रियंवदा आपकी बेटी समान है, तो ऐसे में आप आज उनके संगीत में नहीं चलेंगी? दरअसल क्या है कि मेरा मन नहीं है जाने को। कहीं कोई और बात तो नहीं है ना? और बात? अरे भाई, कोई और वजह क्या हो सकती है? और कोई दुश्मनी थोड़ी ना इनकी उनके परिवार से। आप लोग ठीक कह रही हैं, मुझे चलना चाहिए आप लोगों के साथ। आप लोग रुके, मैं तैयार होके आती हूँ। क्या हम सब कुछ नए सिरे से नहीं शुरू कर सकते? देखो, मैं चाहे कुछ भी कहूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दीदी, आप सोच भी नहीं सकती कि यहाँ आके आपने मुझे और बी को कितनी खुशी दी। केतकी, कह दो इनसे कि हम यहाँ किसी को खुश करने नहीं आए हैं, औपचारिकता पूरी करने आए हैं। इनसे मिलो, ये है मेरी प्यारी सीमा। आज मैं अगर तुम्हारे घर की होनहार बहू बनने जा रही हूँ, तो उनका पूरा श्रेय इन्हें जाता है। तो फिर सबसे पहले हमें इनका आशीर्वाद लेना चाहिए। क्यों? के रुद्र को समझा बुझाकर घर ले जाओ, मैं भी वहीं आती हूँ। सुनिए, ये दरवाजा बंद कीजिए जल्दी। तुम यहाँ इस वक्त? तूने जो सलाह दी थी वो मैं पूरी नहीं कर पाया। फिर को अपनी जिंदगी में वापस नहीं ला पाया। अरे संगीत ने मेरे मुंह पे दरवाजा मार दिया। जब तक तुम मुझे पीहू को वापस लाने का तरीका नहीं बताएगी, तब तक मैं नहीं जाने वाला यहाँ से। पर मैंने कोई सलाह नहीं दी है। I'm sorry। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? चलो अंदर आओ, तुम्हारे इन जख्मों पे मरहम लगा देती हूँ। आज तक जो भी मिला चोट देने वाला मिला। आज पहली बार किसी ने जख्म पे मरहम लगाया। ये सब एक दोस्त ही कर सकता है। थैंक यू। अब क्या? मैं चलता हूं। एक और बात, वो जो तूने मुझे करने को बोला था ना, मैंने अपनी जिंदगी में करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं लेकिन तुमसे हुआ नहीं। यही ना, मैं जानती हूँ ये सब इतना आसान नहीं है। वो टूटती है ना सुबह पूरे उससे विश्वास से, और वो फिर पूरे उसके साथ वो जो होता है ना, वो उसके साथ तो ये तू कैसे करती है? तू सब मुझसे तो नहीं होगा। तुम जाओ यहाँ से। अम्मा, लगता है घर में कोई है। अरे जाओ ना। पहले मुझे बताओ, जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब दो, फिर मैं जाऊंगा। दुख से